नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा। कॉमेडी जगत की ताजोतरीन खबरों के साथ, क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, जी हां, आज के दिन क्या उथल पुथल हो सकती है बाजारों के अंदर, यह सब हम आपको बतलाएंगे अगले 45 मिनटों तक। और उसके लिए आपको देने होंगे सिर्फ आपके अहम 45 मिनट, और पूरे दिन भर की स्ट्रेटेजी होगी आपके सामने, क्या खरीदें क्या बेचें और कौन सी कमोडिटी यानी मंडी के अंदर आने वाली कौन सी फसल और कौन सा मेटल, कौन सी एनर्जी आज आपको दे सकती है फायदा, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कमोडिटी जगत से सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में सोने और चांदी में उठा पटक जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1350 डॉलर के आसपास। ग्वार में फिर देखने को मिली मुनाफा वसूली, ग्वार गम ग्वार सीड लुढ़के। और वहीं कच्चे तेल में मुनाफा वसूली। जी हां, सबसे पहले हम यहां पर एक रुझान ले लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का और मंडियों का, कि इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार किस दिशा में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही ये भी देख लेते हैं कि आज मंडियों का क्या रुख देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम यहां पर बात सोने और चांदी की करते हैं। 1350 डॉलर के नीचे यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सोना। 3 डॉलर की गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी यहां पर 23 डॉलर 17 सेंट पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। 4 सेंट की यहां पर हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। कच्चा तेल 82 डॉलर के नीचे लुढ़क आया है। 81 डॉलर 65 सेंट यहां पर हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। यहां अगर एग्रो कमोडिटीज की बात की जाए तो एग्रो कमोडिटीज में भी हल्की फुल्की ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। मसाले यहां पर कमजोर देखे जा रहे हैं। चने की बात करें, सरसों की बात करें, और बिहार में ट्रेड होने वाले कड़वे तेल यानी कि सरसों कच्ची घानी का अगर बात की जाए तो उसमें भी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। एक बार फिर से बढ़त यहां पर आई है। चीन की और अमेरिका की मंडियों से जो खबरें निकल करके आ रही हैं उसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक तरफा हमने यहां पर रैली आते हुए देखी है। और इस समय निरंजन है हमारे साथ फोन लाइन पर, जो कि कड़वे तेल और सरसों तेल के खास जानकार हैं, हाजिर बाजार विशेषज्ञ हैं और साथ ही एक अच्छी पकड़ रखते हैं। निरंजन जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। निरंजन जी, सबसे पहले तो मैं यहां पर जानना चाहूंगा सरसों का आउटलुक। आज राजस्थान की मंडियां, सरसों की मंडियां क्या कह रही हैं?